साथियों, अगर MBBS आपकी जिद है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन क्या आपको पता है, नीट 2024 में 25 लाख एस्पिरेंट्स में से सिर्फ 10 लाख ऐसे होंगे जो कट ऑफ मार्क को क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि 100 नंबर ला पाएंगे। और ये आंकड़े बड़े चिंताजनक है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस एग्जाम की कट ऑफ 600 नंबर हो, उसमें 15 लाख लोग 100 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर नीट एग्जाम में ऑफलाइन कोचिंग की बात की जाए, तो ऑफलाइन कोचिंग्स एडमिशन के लिए अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखा रही है, होर्डिंग्स दिखा रही है, और सिलेक्शन में फर्जीवाड़े का आलम ऐसा कि अखबार में आतंकवादियों तक की फोटो छाप दी जा रही है। मतलब ये हालात हैं, और बच्चे और पेरेंट्स इन्हीं बड़े बड़े ब्रांड्स को देखकर गुमराह होकर उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भेड़ बकरियों की तरह घुसते जा रहे हैं, जहां उनको ये नहीं पता कि उनको कौन पढ़ाने वाला है। बच्चा वहां पर डिप्रेस हो रहा है, और इसके आगे की कहानी इससे भी ज्यादा भयानक है। ऑफलाइन कोचिंग्स में एडमिशन लेने वाले बच्चों को ये नहीं पता है कि उनको कौन पढ़ाने वाला है। बच्चा वहां बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। 6 से 7-8 घंटे की क्लासेस सुबह से लेकर दोपहर तक चल रही है। उसे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं बायो पढ़ रहा हूँ। उसके 9th-10th के बेसिक्स तक क्लियर नहीं है। वो 1.5 लाख रुपए की फीस देकर आया है, तो उसे यहाँ बैठना पड़ेगा। और साल बीता जा रहा है, वो इस फ्रस्ट्रेशन में है कि अपने पेरेंट्स को क्या जवाब देगा। उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, अब वो नशे की लत में जा रहा है, अब वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, वो गलत आदतें गलत शौक करने लगा है, इवन डिप्रेस होकर सुसाइड जैसे कदम उठा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं। बात ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं, वो इंटेलिजेंट है, तभी उसको उसके स्कूल ने साइंस दी थी। लेकिन अब रैंकर और बैंकर्स में डिफरेंशिएट कर दिया गया है। अगर आप थोड़े भी कमजोर हैं, तो आपको कत्ल खानों में झोंक दिया जा रहा है, जहां आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा कैसे हो, समझ में आ रहा है, एग्जाम क्रैक हो पाएगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग्स बिल्डिंग दिखाने में लगी है, और ऑनलाइन कोचिंग्स अपनी वेब सीरीज और नई नई लॉन्चिंग्स, और बच्चे उसे देख भी रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। बस वो एक चीज नहीं देख रहे हैं, जो है हाउ टू बिल्ड द बेसिक्स, कैसे अपने बेसिक्स पे काम किया जाए। आगे समझ। लेकिन नीट एग्जाम में पेपर टफ नहीं है, लेकिन जिनका टॉप रैंक आ रहा है उनके बेसिक्स स्ट्रांग है। और जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप किसी भी चैप्टर को बाकी लोगों की तुलना में 10 गुना तेजी से समझ पाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो टॉप कर ले रहे हैं, और उन लोगों में जो कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर 10th क्लास का बच्चा भी है जिसके ठीक ठाक बेसिक्स हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आसानी से समझ सकता है। और मुझे पता है ये बच्चों का पेन है, और इसीलिए हमने नीट कागज ऐप पर एक सेपरेट सेक्शन बनाया है, बिल्ड योर बेसिक्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बिल्कुल आपका सुपड़ा साफ है, आपको कुछ नहीं आता है, आप ऑफलाइन से ऑनलाइन से ड्रॉप 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 लेकर तंग हो चुके हैं, और आपको बेसिक्स का पता नहीं लग रहा है, आप नीट कागज ऐप को डाउनलोड करिए, बिल्ड योर बेसिक्स में जाइए, और जो लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, ये अल्ट्रा बेसिक चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको किसी भी चैप्टर को तेजी से समझने में हेल्प करती है। और एक बार जब ये बेसिक्स आप पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन, आपकी समझ, आपका डेवलपमेंट, आपके मार्क्स की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। वरना आप वो फर्जीवाड़ा देखते रहेंगे, वन शॉट कर लें, 30 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ये सब झूठी चीजें आप देखते रहेंगे, और एक और साल बर्बाद हो जाएगा। बेसिक्स पे काम करिए, क्योंकि आपकी लॉन्चिंग आपके फाउंडेशन से, आपके बेसिक्स से होगी। उनकी लॉन्चिंग पैसा कमाने के लिए है। तुम ये समझो कि अगर हमें हमारे माँ बाप के सामने इज्जत कमानी है, विश्वास कमाना है, तो हमें बेसिक्स पे काम करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। नीट में 90% स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके पीछे जिम्मेदार है ये फिजिक्स। और फिजिक्स में अगर आपको सिर्फ ये पता है कि फिजिक्स होती है, 9th-10th में आपने सुनी है, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है, आपके बेसिक्स का, आपके कॉन्सेप्ट्स का सुपड़ा साफ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 10th भी आपने पास कर रखी है, तो फिजिक्स के ये 16 लेक्चर्स, जिसमें DPP भी है प्रैक्टिस के लिए आपके साथ में, फ्री है कम्प्लीटली, बिल्ड योर बेसिक्स नीट काका जी ऐप के ऊपर, ये 16 लेक्चर्स आप देखिए। और मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि नीट 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में जब भी एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से नहीं रुकेगा। आप फिजिक्स के टॉपर बन जाएंगे। आप
आपकी फिजिक्स की समझ किसी टीचर से भी बेहतर होगी, ये मेरा वादा है। और मुझे पता है ये लेक्चर्स बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं, वो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे कि किस क्वालिटी का कंटेंट है नीट काका जी ऐप के ऊपर बिल्डी और बेसिक्स। आपको केमिस्ट्री के 8 लेक्चर्स मिलते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ 9th 10th में ये पता है कि केमिस्ट्री होती है, बस 8 लेक्चर देखने के बाद में आपकी जो समझ विकसित होगी, आप कहेंगे सर आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि अक्सर ये बहुत बड़ी कहावत है कि जब तक सच जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ पूरे नगर में घूम चुका होता है। आज ऑनलाइन बेचेस में भीड़ ऐसी है कि ऑनलाइन के टीचर्स अथाह घमंड में जी रहे हैं, वो पढ़ा कम रहे हैं, गालियां ज्यादा दे रहे हैं, वो टीच कम कर रहे हैं, वो कैरेक्टर कम बना रहे हैं, वो एक्टर ज्यादा बन रहे हैं। बायोलॉजी के 4 लेक्चर्स आप उनको नोट डाउन करिए, आप ये फील करेंगे कि हमने पहले ये सब क्यों नहीं सीखा। फिजिक्स सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये कंटेंट लिख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, वहां पर आप भेज सकते हैं। नीट काका जी ऐप के डाउनलोड का लिंक दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ फ्री है, लेक्चर नोट्स वहां पर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर है। बिल्डी और बेसिक्स पे काम करिए, क्योंकि लोग आएंगे, पैसे लेंगे और चले जाएंगे, और तुम ठगा महसूस करते रहोगे पिछले साल भी, इस साल भी, और उसके अगले साल भी। नीट की तैयारी के नाम पर आपसे चीट किया जाता रहेगा। जिन लोगों ने इन्हें देखा है वो इसका फीडबैक दे सकते हैं कि उनको इतना ज्यादा फायदा हुआ है इन बेसिक्स लेक्चर्स को देखने के बाद, अब वो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप 100 नंबर ला रहे हैं, 150 ला रहे हैं, 200 ला रहे हैं, रिलेटिव्स के तानों से परेशान हैं कि इतने साल तैयारी करने के बाद इतने से ही नंबर आए हैं, तो ये ताना आप आखिरी बार सुन रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बार आप बेसिक्स बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद आप मास्टर ब्लास्टर बन जाते हैं, आप खिलाड़ी बन जाते हैं, आप समझने लग जाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। तो नीट काका जी आपको अभी डाउनलोड करिए, इससे पहले कि आपको चूना लगाकर निकल जाए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब साल दर साल जब भीड़ होती है, जब होर्डिंग्स होते हैं, जब पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो हम उसी भीड़ में जाकर बैठ जाते हैं। हम कभी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बेहतरीन क्या है, बेसिक्स होते क्या है। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप पर ड्रॉप, ड्रॉप पर ड्रॉप होता ही जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये साल बर्बाद ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए था, वो बेसिक्स आपके लिए है। ऊपर वाले का शुक्रिया करिए कि आप ये कॉन्टेंट देख पा रहे हैं। धन्यवाद।